Oh, <laughs> अथो बलमेन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि नृत्ये उपनिष्वत् सुधर्मस्ते मय संतु ते मय संतु ओम शान्ते 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 तो प्रिय मित्रों इस प्रवचन के साथ हम लोग केन उपनिषद की एक संक्षिप्त रूपरेखा देखने का प्रारंभ कर रहे केन उपनिषद ये तलावकार शाखा जो है सामवेद की उसमें अंतर्भूत है और वेदांत के अध्ययन में केन उपनिषद की अपनी एक विशेष भूमिका है यह उपनिषद यद्यपि कलेवर से देखो तो बहुत बड़ी न होने के बावजूद भी इसका विशेष महत्व है क्योंकि इसमें जो मुख्य वेदांत की विषय वस्तु है आत्मज्ञान और जो बोध अपना जो बोध है वह इस ज्ञान के अनुरूप बनाना यह इसका मुख्य उद्देश्य है और हम लोग जैसे देख चुके हैं कि सभी उपनिषदों का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह है कि दुखों की संपूर्ण निवृत्ति और उसके साथ ही जो आत्मज्ञान अधिष्ठित सर्वव्यापी सर्वश्रेष्ठ आनंद है उसकी अनुभूति और आत्मज्ञान के द्वारा यह हो जाता है क्योंकि आत्मा का जो स्वरूप है वह स्वतंत्र नित्य आनंद स्वरूप ऐसा है और इसीलिए हम लोग जब इसे अनुभव करते हैं तो आ, हम अपने सीमित जो है जैसे कि मान लो शरीर या मन इससे जो आ, हम अपने आप को लगा देते हैं जुड़ा देते हैं आ, इसके साथ एकात्म भाव मानते हैं यानी मैं ही शरीर हूँ मैं ही मन हूँ तो इस भाव से जब मुक्ति पा जाते हैं तो हमारा सारा बंधन समाप्त हो जाता है केन उपनिषद की विशेष महत्ता इसी से सिद्ध होती है कि भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी ने इस पर दो भाष्य लिखे हैं यह एकमात्र उदाहरण ऐसा है कि जहां एक ही ग्रंथ पर एक ही व्यक्ति ने एक ही सिद्धांत की पुष्टि के लिए दो भाष्य लिखे हुए हैं एक कहलाता है पद जो कि पहले लिखा होगा जैसे आनंद गिरी की टीका जो है उससे यह प्रमाणित होता है और दूसरा उसके बाद जो लिखा है उन्होंने वह कहलाता है वाक्य भाष्य तो इस संक्षिप्त रूपरेखा में हम लोग इन भाष्यों की विशेष रूप से तो चर्चा नहीं करेंगे परंतु बीच बीच में उसके कुछ उद्धरण अपने अध्ययन के लिए लिया करेंगे और हम लोग देखते हैं कि यह उपनिषद मुमुक्षुओं के लिए कहा जाता है उपनिषद जो हैं वे किसके लिए प्रयुक्त तो होते हैं कि जो आत्मज्ञान की प्राप्ति से आ, अपना ज्ञान दूर करते हुए आ, जीवन के जो अंतिम लक्ष्य हैं परमात्मा प्राप्ति उसे साध्य करने के लिए जो व्यक्ति अग्रेसर होते हैं आ, और इसके लिए जो उचित उसकी कीमत है चुकाना चाहते हैं उस उस मूल्य को चुकाने से कतराते नहीं हैं तो ऐसे व्यक्ति ही उपनिषद के अध्ययन के अधिकारी होते हैं तो हम सभी एक दृष्टि से देखे तो इसी के लिए उत्साहित रहते हैं तो यद्यपि साधारण व्यक्ति सर्वदा इसके लिए सचेष्ट नहीं दिखाई देता फिर भी आ, सभी को एक भीतर ऐसी प्रेरणा होती है कि मैं क्यों कौन हूँ मैं क्या चीज है इसका वास्तविक ज्ञान हो जाए और आ, जब यह स्पृह बढ़ती है तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति आ, उसके लिए जो उसका मूल्य है चुकाने के लिए प्रेरित हो जाता है समर्थ हो जाता है और जैसे कि बाज़ार में होता है कि हम किसी वस्तु का मूल्य जब चुका देते हैं तो वह वस्तु हमारे पास आ जाती है तो वैसे ही इसके लिए जो मूल्य है यदि हम लोग वह चुकाने के लिए समर्थ हो जाते हैं और इच्छुक हो जाते हैं उसके तो यह मूल्य चुकाते ही यह ज्ञान और उस ज्ञान की जो परिणाम है ज्ञान की जो फलश्रुति है वह भी हमारे जीवन में आ, आ जाती है और हम लोगों ने पहले भी देखा कि यह मूल्य वैसे देखो तो क्या है कि साधारण बात है कि हमें यदि ज्ञान चाहिए तो अज्ञान को फेंक देना चाहिए ना तो अज्ञान का त्याग करना यही मूल्य चुकाना है मित्रों अज्ञान से ही बंधन है और इसीलिए अज्ञान को और अज्ञान के परिणामों को जीवन से दूर करने के लिए सचेष्ट रहना यही मूल्य हम लोगों को चुकाना है और तब जो भीतर आत्मज्ञान अवस्थित है वह स्वाभाविक रूप रूप से ही प्रकट होता है और उसके साथ ही जो उसकी मुक्ति, उसका जो मुक्त स्वरूप है और आनंद स्वरूप है वह भी हमारे जीवन में प्राप्त हो जाता है जीवन धन्य और कृतार्थ हो जाता है तो इस उपनिषद में यही बात प्रथम प्रश्न से इसकी की गई है इसकी की गई है है तो यह सवाल है कि किसके द्वारा हमारी इंद्रिया और मन और शरीर यह सारा नियंत्रित होकर अपना काम करने के लिए अग्रसर होता है तो इसके पहले शंकराचार्य जी का एक वाक्य देखेंगे कि यह जो शिष्य कौन होता है यह तो गुरु ब्रह्मनिष्ठम विधिव उपेत्य प्रत्येक आत्म विषयाद शरणम अपश्यन अभयम नित्यम शिवम अचलम इच्छन प्रपच्छ इति ऐसा शिष्य जो इस आत्मज्ञान को छोड़कर और कहीं भी चारा नहीं है और कुछ भी हम लोग करें तो भी जीवन में कृतार्थता आने वाली नहीं है हम जो चाहते हैं वह नहीं पा सकेंगे बगैर आत्मज्ञान के यह पूर्ण विश्वास लेकर इस आत्मज्ञानी ज्ञान की प्राप्ति के लिए आ, इस प्रकार के ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास आ जाता है ब्रह्मनिष्ठ यहाँ शब्द का तात्पर्य है कि जिसके पास यह ब्रह्म ज्ञान है जिसके पास है वही तो दे सकेगा जिसके पास नहीं है वह कैसे देगा हमको यदि कोई कहे योगात्मानंद जी हमें एक करोड़ रुपए दीजिए तो हम कहा से देंगे हमने कह, कह भी दिया कि हा, हा, दे देंगे अरे भला है जब होंगे तब तो देंगे जब है ही नहीं तो देने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है तो इसीलिए ऐसे गुरु के पास यह शिष्य यह शिष्य जो कि इसके लिए बिल्कुल तैयार है इसकी इच्छा रखता है और इसके लिए जो सारे गुण हैं वह भी अपनाना चाहता है ऐसा शिष्य है हम लोगों ने जो शांति मंत्र कहा कि उसमें उस शांति मंत्र में यह बात नहीं थे कि यह शिष्य प्रार्थना करता है कि यह ब्रह्म जो आ, सर्वव्यापी सत्ता है आ, तो मैं जानता हूँ कि यह सारा सब कुछ जो है यह ब्रह्म है और आ, मैं अपने जीवन में इस ब्रह्म का निराकरण न करूं और यह ब्रह्म भी मेरा निराकरण न करे मुझे न नकारे और ऐसे तो ब्रह्म क्यों नकारेगा केवल इसीलिए कि हम उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए अभी तैयार नहीं है। उसके लिए जो तैयारी चाहिए वह नहीं है और इसीलिए इस शांति मंत्र की अंतिम पंक्ति जो है वह कहती है कि यह जो उपनिषदों में वर्णित जो सारे सदगुण हैं वे मेरे जैसे आत्मज्ञान लाभ करने के का जो इच्छुक है उसके जीवन में प्रगटे तो यह प्रार्थना इसमें बताई गई है कि जिसके चलते तब हम लोग इस अध्ययन से लाभान्वित हो सकेंगे कि हाँ कि जब ये सदगुण मेरे जीवन में आए तात्पर्य यह है कि यह एक व्यावहारिक दर्शन है मित्रों कि जिसके द्वारा हम लोग अपने जीवन की दिशा बदल देते हैं तो जो यह काम कांचन के पीछे लगने की जो इच्छा होती है उस इच्छा को अभी वास्तविक रूप से बिल्कुल उसकी, उसके उसके विपरीत दिशा देनी होगी कि नहीं मुझे यह कुछ नहीं चाहिए आत्मज्ञान ही चाहिए आत्मज्ञान मतलब क्या है कि जैसे कि मैं कौन हूँ तो भीतर की ओर दृष्टि जानी चाहिए बाहर की ओर जो सब दृष्टि जा रही है तो उसको समेटकर अब दिशा उसकी बदल देनी चाहिए आ, मैं कौन हूँ इसके उत्तर इसका उत्तर पाने के लिए व्यक्ति को सचेष्ट होना पड़ेगा तो और उसके साथ साथ कुछ जीवन में उपस्थित होते हैं जैसे कि विवेक वैराग्य इत्यादि तो ये विवेक वैराग्यवान जब कोई व्यक्ति बनता है तब वह आत्मज्ञान का अधिकारी भी बन जाता है तो इसीलिए यह प्रार्थना की गई है कि ऐसे सारे गुण में प्रकट हो जाए क्योंकि मैं आत्म ज्ञान का इच्छुक हूं। तो इसके ऐसा एक ऐसा एक शिष्य शिष्य मान लीजिए यह प्रश्न कर रहा है और यह भी हम लोगों को कल्पना करनी पड़ेगी कि जब हम लोग जो सुन रहे हैं वे भी ऐसे शिष्य के साथ एक रूप होकर इसका पाठ करें ताकि हम लोग भी आ, इसका जो वास्तविक मंतव्य है उससे उससे अवगत हो सकेंगे तो आ, यह मंत्र है इस प्रकार ओम केनेशितम पतति पतती केन प्रेषित मन के नाण प्रथम प्रीति युक्त चक्षु श्रोत्री यह मन किसके द्वारा इच्छित और प्रेरित होकर अपने विषयों में गिरता है किससे प्रयुक्त होकर प्रथम यह प्राण चलता है प्राणी किसके द्वारा इच्छा की हुई वह वाणी बोलते हैं और कौन देव चक्षु तथा श्रोत्र को प्रेरित करता है अः ये हम लोगों का शरीर इंद्रिया बुद्धि और जिसे यहाँ पर प्राण कहा गया है वह सारा क्या है कि साधन है जड़ स्वरूप साधन है और किसी भी साधन को कोई जब चलाता है तब वही तभी वह चलता है अपने आप चलने की उसकी क्षमता नहीं होती और फिर ये सारे विविध विभिन्न साधन हैं जैसे हमारी आँखें हैं हमारे कान हैं हमारा मन है ये सब मिलकर चल रहे हैं मतलब इनमें एक सुसंवाद प्रतीत होता है कि जैसे मन में इच्छा हुई कि चलो रसगुल्ला खाए तो स्वाभाविक रूप से ही जहाँ रसगुल्ला होगा वहाँ उस दिशा में पैर चलने लगते हैं और जब रसगुल्ला दिखे तो हाथ उसकी ओर बढ़ता है और बढ़ने के बाद क्या होता है रसगुल्ला उठाकर क्या कान में डालते हैं क्या हम लोग हाँ वह हाथ अपने अपने आप अप मुख की ओर बढ़ता है अः बिल्कुल छोटे से शिशु के लिए भी आ, यह स्वाभाविक बात है अः कोई बिल्कुल छोटा सा शिशु भी हो तो भी वह ऐसी गलती मित्रों नहीं कर सकता कि चलो कोई खाने की चीज उठाओ और कान में या आंख में डालो वह मुख में ही डालेगा तो बात यह है कि ये सभी इंद्रिया जो हैं मन है ये सारे साधन एक हारमोनियस तरीके से काम करते हैं उनमें सुसंवाद है तो फिर कौन इनको चलाता है इनको चलाने वाला तो कोई जरूर होगा जैसे हम देखते हैं कि एक मोटर गाड़ी चलती है अब क्या मोटर गाड़ी क्या अपने आप चलेगी क्या अरे कोई उसका मालिक हो कोई उसे चलाने वाला हो उसके उपयोग के लिए ये सारे प्रयुक्त होते हैं उसके जो मोटर गाड़ी के चक्के हैं इंजन है स्टीरिंग व्हील है सब कुछ ही देखिए कोई एक व्यक्ति है जिसके आदेश से यह सब चलता है जिसके लिए चलता है हाँ बिल्कुल आप यदि आ, जो आजकल निकल रही हैं सारी गाड़ियाँ ऑटोमेटिक चलती हैं मतलब क्या कि चलने वाले को सिर्फ आ, जो वहाँ बता देना पड़ता है आ, कि कहाँ जाना है तो गाड़ी मानो अपने आप चलने लगती है तो आ, अब ये अपने आप चलती है गाड़ी परंतु अपने आप नहीं चलती यह सारी यंत्रणा उसमें रख दी गई है और जिसकी गाड़ी है उसे जहां जाना है वहां वह गाड़ी उसे ले जाएगी एक हास्य कारक कथा बताई जाती है विशेषकर ये जो कोरोना का समय है उसके लिए कि एक व्यक्ति गाड़ी में बैठा और कहीं उसे जाना था ये हवाई अड्डे के की तरफ तो उसने वह हवाई अड्डे का जो पता है डाल दिया उसमें अः परंतु गाड़ी दूसरे तरफ जाने लगी कहाँ जा रही है गाड़ी जो यह श्मशान भूमि की तरफ जा रही है जहाँ सबको जलाया जाता है प्रेतों को जलाया स्मशान भूमि की ओर गाड़ी जा रही है अब क्यों स्मशान भूमि की ओर जा रही है तो कारण दिखाई दिया है वहां पर कि इस व्यक्ति ने जो फेस मास्क नहीं पहुंच पहना है तो जब वह व्यक्ति फेस मास्क पहन लेता है तब वह गाड़ी बराबर जहां ज्यादा है वहां जाने लगती है तो यह एक शिक्षा देने का तरीका हुआ कि भाई ये फेस मास्क पहना करो तो जो भी हो बात यह है कि कोई उससे परिचालित करने वाला हुआ करता है अब सवाल यह पैदा होता है कि हमारे हमारा शरीर मन इंद्रियां ये सारे भी तो साधन हैं। इन सबको परिचालित करने वाला कौन है आ, जो आ, हाथ चलता है पैर चलते हैं श्वास प्रश्वास चलता है आ, जो आ, चक्षु आदि जो ज्ञानेन्द्रिया हैं वह परिचालित होती है परंतु कौन है जो इसे चलाता है यह एक आ, सवाल सभी के मन में कभी कभार तो जागृत होता ही होगा कि कौन है वह कहा छिपा हुआ है हम जानना चाहते हैं और यह सवाल तो पूछा गया अब यह आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी गुरु के पास जब यह सवाल कोई ले जा रहा है और कोई एक ऐसा शिष्य है जिसने तो पहले सारे प्रयोग दूसरे प्रकार से इसका ज्ञान प्राप्त करने के प्रयोग कर लिए हैं ऐसा व्यक्ति है तो वह जानता है कि यह सहजता से यह चलाने वाला तो दिखाई नहीं पड़ रहा है जैसे आप मान लीजिए बस का सफर कर रहे हैं तो बस का ड्राइवर दिखाई पड़ेगा ए ये ड्राइवर है ये बस चला रहा है। है हाँ, कोई आप आ, मान लो आटे की चक्की चल रही है तो कोई चक्की चलाने वाला अलग व्यक्ति जो चक्की नहीं है हाँ, जैसे कि बस ड्राइवर जो कि बस नहीं है बस से अलग हाँ, बस का ड्राइवर या चक्की से अलग चक्की चलाने वाला ऐसा कोई दूसरा दिखाई पड़ता है अब यहाँ सवाल इसलिए यह बड़ा गहन हो जाता है कि कोई ऐसा दिखाई नहीं पड़ता कि जो इस सब को चला रहा है सवाल तो है परंतु उसका जवाब उसका उत्तर सहज रूप से दिखाई नहीं पड़ता तो इसीलिए ऐसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास शिष्य चला आता है ताकि इस बड़े गहन सवाल का उत्तर मिल जाए परंतु अब गुरु गुरु क्या उत्तर देते गुरु उत्तर देते हैं? का जो है, यदि हम सतही तौर पर देखें तो उत्तर ही नहीं है कुछ भी ज्ञान उससे मिल नहीं रहा है गुरु के उत्तर से प्रतीत होता है कि गुरु हमने एक पूछा और गुरु हमको सिर्फ जो है जो भगा दे रहे हैं कुछ बेतुकी उत्तर दे रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है यह उत्तर सुनकर तो यह उत्तर हम लोग देखेंगे कि क्या उत्तर है इसका तो श्रोत्रस्य श्रोत्रम् मनसो मनोयत् वासुह वाचं तव प्राणस्य प्राणः यक्षशस्य अतिमुच्य धीराः प्रीत्यस्माः भवन्ति जो श्रोत्र का श्रोत्र मन का मन और वाणी का भी वाणी है वही प्राण का प्राण और चक्षु का चक्षु है ऐसा जानकर और धीर पुरुष संसार से मुक्त होकर इस लोक से जाकर अमर हो जाते हैं अब ये क्या कोई उत्तर हुआ मित्रों जरा सोचकर तो देखिए आंख को चलाने वाला कौन है आंख ये आंख है आ, फिर कान को चलाने वाला कौन है कान का कान है मन 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 को चलाने वाला मन का मन है, आ, अब ये भी के ये अब कोई उत्तर ही नहीं हुआ ना कोई तो कुछ बताया ही नहीं जा रहा है कि कौन है आ, कि कान का कान मतलब क्या हुआ फिर उस कान के कान का और एक कोई कान होगा क्या आ, कोई कुछ समझ में नहीं आ रही है बात की ये उत्तर ऐसा क्यों दिया गया है जिससे कि कुछ नया कुछ तो तात्पर्य नहीं निकल रहा है कि पूछा गया कि श्रोत्र का श्रोत्र मतलब कौन कान को चलाता है श्रोत्र को कौन चलाता है आँखों को कौन चला रहा है इन सब साधनों को चलाने वाला ऐसा कौन है जो उससे अलग है उसकी ओर इंगित करना चाहिए था अब ये कह रहे हैं महाशय गुरु जी वो आँखों की आँख है और कानों का कान है और मन का मन है अरे इससे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है अः देखिए ना आप सोचकर देखिए कि ऐसा कोई आपको उत्तर दे दे जैसे पहले उदाहरण दिया कि इस बस को चलाने वाला कौन है बस का बस उसको चला रहा है ऐसा कहेंगे क्या आ, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है जो आ, तो ऐसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु इस प्रकार का उपदेश क्यों करें अच्छा ये तो एक बात हुई ये हमारे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया परंतु इतना ही नहीं जो पूछा ही नहीं था वह बता बता रहे हैं जैसे अतिमुच्च धीरा प्रेत्यस्मा लोकादमृता भवंती कि वह जो है इस दृश्य संसार से अतीत उसके ऊपर उठकर क्या कि अस्मा लोकादमृता भवंती इस लोक से ऊपर उठकर उसका त्याग करते हुए अमृत तत्व को प्राप्त करता है अरे भाई यह हमने पूछा था क्या नहीं पूछा आ, तो जो नहीं पूछा उसका उत्तर दे रहे और जो पूछा उसका बिल्कुल बेतुकी जवाब दिया जा रहा है आ, ऐसा आपात दृष्टि में तो जरूर लग सकता है परंतु गुरु जानते हैं कि आ, ऐसा तो शिष्य को जरूर लगेगा परंतु गुरु कहते हैं कि मेरे पास इस प्रकार का उत्तर छोड़कर और कोई तो चारा नहीं है मुझे इसी प्रकार उत्तर देना पड़ेगा तो आ, वे गुरु कहते हैं कि अः देखो कि जिसकी तुम परीक्षा कर रहे हो ना उसे न आग देख सकती है न उसे कानों से सुना जा सकता है न मन से उसका चिंतन किया जा सकता है न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानी मो यथत अनुशिष्याद अन्य देव तद विदिता अथो अविदिता शुश्रुम पूर्वे शाम ये नक्षरे बड़ा ही अद्भुत और जिसे हृदयंगम करना एक अंतरदृष्टि का काम है एक समझ लीजिए कि मन को बड़ा सूक्ष्म बनाकर इस जो मंत्र का जो तात्पर्य है उससे हृदयंगम करने की कोशिश करनी पड़ेगी कि यहां उस तत्व तक उस ब्रह्म तक जिसकी परीक्षा तुम कर रहे हो कि कौन इस सब को चला रहा है जो चला रहा है वहां नेत्रेंद्रिय नहीं जाती वाणी नहीं बोलती मन नहीं जाता अतः किस प्रकार शिष्य को इस ब्रह्म का उपदेश कराना चाहिए यह हम नहीं जानते वह हमारी समझ में नहीं आता आ, वह विदित से अन्य ही है उससे वह अलग है और फिर जो नहीं जाता नहीं जाना जाता ऐसा है क्या नहीं ऐसा भी नहीं है बड़ी अचंभित करने वाली बात है ना कि जो जाना जाता वह वह नहीं और जो नहीं जाना जाता नहीं नहीं वह भी वह नहीं है फिर क्या है वो जो अविदित है जो जाना नहीं जा सकता उससे परे है तो इसलिए, आ, और कहते हैं कि हमारे जो शिक्षक थे हमारे जो आचार्य थे उन्होंने भी हमें हमें इसका ऐसा ही उपदेश किया है आ, हम तुम्हें कुछ यह नहीं समझ रहे हैं कि जो हमने नई खोज निकाली है या तुमको यहाँ से भाग जाने के लिए नहीं कह रहे हैं हम बता रहे हैं कि तुम्हारी परीक्षा का जो विषय है उससे तुम्हारे पास जो भी साधन मौजूद हैं उनके द्वारा उन उसका ज्ञान नहीं हो सकता तो अब इसीलिए उसको केवल इसी उपाय से बताना पड़ रहा है क्योंकि वह जो ज्ञातव्य तो है जो ज्ञाना जाना जाता है जो ज्ञात है उस ज्ञात से वह अलग है मतलब हम लोग जैसे देख रहे थे उदाहरण कि बस गाड़ी है और बस का ड्राइवर है फिर जो रास्ता है और सारे पेड़ पौधे मनुष्य जानवर आदि दिखाई दे रहे हैं तो इससे वह अलग है जो भी जाना जाता है उससे वह अलग है मतलब है बिल्कुल साफ मतलब है मित्रों कि यदि एक आ, 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 ऑब्जेक्ट की तरह एक वस्तु की तरह उसका ज्ञान नहीं हो सकता इस प्रकार जाने जा, जाना जाने का यह विषय है ही नहीं ऐसा इसका ज्ञान कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि यह हमारे हमारी जो पास जो साधन है हमारी जो बुद्धि है उसके पकड़ में वह नहीं आता इसीलिए वह जो सब यह जाना जाता है मतलब इस समूचे विश्व ब्रह्मांड का जो ज्ञान हम अपनी जो इंद्रिया मन इत्यादि के द्वारा प्राप्त करते हैं उस प्रकार इसका ज्ञान प्राप्त किया नहीं जा सकता उसके लिए अलग साधन की आवश्यकता है यह सूचित किया जा रहा है और फिर ऐसा लगता है कि चलो फिर हम लोगों को वहाँ ब्लैक होल के अंदर क्या चल रहा है इसका ज्ञान नहीं है तो यह आत्मज्ञान क्या उस प्रकार अविदित है क्या आ, नहीं वह अविदित भी नहीं है वह वह अज्ञात भी नहीं है ज्ञात से तो भिन्न है परंतु इसका मतलब वह अज्ञात है ऐसा नहीं अज्ञात से भी परे है अः तो यहाँ पर और कहते हैं कि हमारे जो आचार्य थे हम तुमको यह बात बता रहे हैं तुम्हें केवल यह हम हमारी हमारे शिक्षकों से हमारे आचार्य से जो हमने सुना है वह तुम्हें बता रहे हैं मतलब यह परंपरा की बात है मित्रों कि यह ज्ञान परंपरा से इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से इसका प्रवाह चलता है लोगों को प्राप्त हो सकता है आ, तो गुरु शिष्य परंपरा का वेदांत के अध्ययन में किसी भी अध्यात्म शास्त्र के अध्ययन में इसीलिए बड़ा महत्व बताया जाता है वेदांत ग्रंथ के अध्ययन में आ, एक मंत्र प्रारंभ में पाठ किया जाता है कि ये जो गुरुओं को नमन किया जाता है ओम नमो ब्रह्मदिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषि नमो गुरुभ्यः इस प्रकार जो परमात्मा से पर ब्रह्म से जो गुरु की परंपरा चलती आई है उस परंपरा से हम जब हो हो जाते जाते हैं हैं उससे युक्त हो जाते हैं, तब वह ज्ञान हमें भी आ सकता है तो यहाँ पर गुरु उसे यह मानो कनेक्शन लगा दे रहे हैं संपर्क कर रहे हैं जैसे कि बिजली की जो तारे हैं कहीं बिजली का उत्पादन हो रहा है उससे वह हमारे कमरे तक कैसा हो जाता है हमारे मकान तक वह बिजली कैसी हमें मिलती है कि जहां पास उसका जो है उसका ग्रिड का कनेक्शन है ट्रांसफार्मर है वहां पर आप अपने घर के घर से जो तार जा रही है वहां उसे जोड़ दें तो आपके घर में भी यह बिजली का प्रवाह आ जाएगा तो इसीलिए गुरु के साथ जब हमारे मन के तार इस प्रकार जोड़ दिए जाते हैं तो गुरु के पास जो ज्ञान है वह शिष्य में भी प्रवाहित होने लगता है तो इसीलिए यह बता रहे हैं कि हमारे जो गुरु उन्होंने भी हमें तो इसी प्रकार उपदेश किया है अब हम तुम्हें और क्या बताएंगे गुरु का कोई अहंकार नहीं होता इसमें जो वास्तविक गुरु है उसका कोई अहंकार नहीं होता देखिए तो श्री राम कृष्ण का उदाहरण देखिए कोई अहंकार नहीं है हाँ, मैं गुरु हूँ चलो हाँ, कहते थे साला कौन गुरु है यहाँ पर तो मतलब है कि परमात्मा छोड़कर और कोई गुरु नहीं होता तो यह गुरु को उस दृष्टि से देखना चाहिए तो अः ये गुरु से जब संपर्क हो जाता है तो जो गुरु के पास ज्ञान है वह हमें प्रवाहित होता है तो इसीलिए यहाँ भी गुरु शिष्य को इस परंपरा से जोड़ते हैं तो तब शिष्य में ज्ञान आ सकेगा बात यह है शंकराचार्य यहाँ भाष्य में कहते हैं कि देखिए अरे बस से अलग बस का ड्राइवर तो दिखाई पड़ता है परंतु कान से अलग कान को चलाने वाला नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि परमात्मा जो है ना वे वह किसी से भी अलग नहीं है सबके भीतर वह प्रविष्ट हुआ है और इसीलिए उसे कान का कान कहा जा रहा है आंख की आंख कही जा रही है मन का मन कहा जा रहा है वह कान नहीं है परंतु कान के भीतर वह प्रविष्ट हुआ है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमें वेदांत में सीखनी है कि यह परमात्मा सर्वव्यापी है सर्वगत है अणुरेणु में विद्यमान है प्रत्येक कण कण में जो वह आविर्भूत है हर कण जो है चलता है जो भी उसकी क्रियाएं हैं वह सारी इस परमात्मा के अस्तित्व के कारण ही हो सकती है, दिखाई देती है इसके सिवा उनका कोई अपना अस्तित्व नहीं होता ये परमात्मा मतलब आंख है ऐसा ऐसा कथन नहीं है यहाँ पर परंतु यह आँख की काम करने की जो क्षमता है वह परमात्मा के कारण ही विद्यमान है जो आंख की जो सार बात है वह है परमात्मा तो ये सब में परमात्मा व्याप्त है परंतु उसके दर्शन कैसे किए जाए कैसे उससे प्राप्त किया जाए अब जो पहले लगा लगता था कि बिल्कुल जो पूछा नहीं उसका जवाब दे रहे हैं नहीं जी गुरु बड़े कारुणिक हैं हम लोगों की पूछने की सामर्थ्य नहीं होती हमें पता नहीं रहता कि कि कैसे प्राप्त किया जाए परंतु गुरु जानते हैं हमारे मन में कौन सा प्रश्न है हम देखते हैं कि इसी प्रकार अन्य ग्रंथों में भी अन्य धर्म ग्रंथों में भी कि शिष्य तो सवाल पूछने की ऐसी काबिलियत नहीं रखता है शब्दों का उपयोग करते हुए कैसे सवाल ठीक ढंग से पूछा जाए यह शिष्य नहीं जानता परंतु जो गुरु हैं वे शिष्य का मन समझ लेते हैं और फिर जो शिष्य चाहता है बराबर दे देते हैं कि जैसे श्री राम कृष्ण उदाहरण देते हैं के छोटा सा बालक है बहुत छोटा के शिशु है जो उच्चारण शब्दों का नहीं कर पा रहा है तो उसको बाबा को अपने पिता को बुलाना है तो ठीक से बाबा कह नहीं सकता है तो बैगा 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 ऐसा कुछ कह देता है परंतु पिताजी समझ जाते हैं ना कि अरे हमें बुला रहा है हाँ तो पिता समझ जाता है कि यह शिशु हमें बुला रहा है उससे अभी उसकी वाणी उतनी सशक्त नहीं बनी है कि वह सारा पूरा बाबा शब्द का उच्चारण कर सके तो वैसे ही हम लोग हमारे भीतर जो प्रश्न है अध्यात्म विषय जो जिज्ञासा है उसे हम शब्दों में प्रकट नहीं कर पा रहे हैं अच्छी तरह परंतु गुरु भाप जाते हैं कि क्या है आ, तो इसीलिए यहाँ आप उसका चिंतन करें कि विवेकानंद जी जब नरेंद्र नाथ थे तब तो उन्होंने श्री राम कृष्ण से केवल इतना ही पूछा था कि क्या आपने ईश्वर को देखा है क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं श्री राम कृष्ण का उत्तर देखिए तो वे तो कह देते हैं हाँ परंतु जो पूछा नहीं है वह भी बता देते हैं के जैसे तुम्हें देख रहा हूं वैसे ही परमात्मा को भी देखता हूँ अधिक स्पष्ट रूप से इतना ही नहीं यदि तुम देखना चाहते हो अरे ये तो श्री राम कृष्ण समझ गए है कि इसीलिए वह आकर इतनी व्याकुलता से यह प्रश्न कर रहा है यह नरेंद्रनाथ तो इसीलिए कहते हैं कि यदि तुम देखना चाहते हो तो जैसे मैं बताता हूं वैसे करो तो तुम भी देख पाओगे <laughs> तो यह जो है कि साधन भी बताया जा रहा है केवल जो साध्य बताया जा रहा है ये बात नहीं यह कोई थियरी नहीं है कि हाँ अरे कोई जो दवाई है ना वह किसी अन्य तारका के किसी उसकी इर्द गिर्द घूमने वाले किसी ग्रह के ऊपर यह औषधि उपलब्ध है अरे भाई कह तो दिया कि उपलब्ध कैसे वहां से लाई कैसे जाए इसका तो कुछ मार्गदर्शन करें नहीं तो ये जानने के बाद भी कुछ लाभ तो नहीं हुआ तो इसीलिए कहते हैं कि नहीं इसकी प्राप्ति का उपाय है उपाय है कैसे तो कहते हैं कि जो यह जो उत्तर इसका बताते हैं कि ये इसके पार जाना चाहिए और तो कोई इसकी दूसरी विधि नहीं है जो जिसका हम हमें जिस जिन्होंने उपदेश दिया था उन्होंने कह दिया था कि यह अतिमुच जो बात बताई गई है ना कि आ, इसके अतीत सारी जो हमारी साधना होती है ना आ, जिससे हम लोग आ, कुछ भी कहिए कि ध्यान करें या आ, मंत्र का जाप करें या भजन करें या लोक सेवा करें इस इन सबके भीतर जो अनुभूत मुख्य तत्व है वह है कि इस जो दृश्यमान जो हमें एक दृष्टा और दृश्य भोक्ता और भोग्य इस प्रकार जिसकी अनुभूति हो रही है इस विश्व के इस अनुभव के पार जाना होगा इसके परे जाना होगा इसके परे जो इन सबको व्याप्त करते हुए जो तत्व निहित है उसका लाभ करना होगा जब हम लोग थोड़ी पैनी दृष्टि से देखते हैं तो समझ में आता है कि यह जो दृष्टा और दृश्य रूप यह जो जगत है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो यह कैसा है चलायमान है मतलब परिवर्तनशील है आता है और चला जाता है तो यह सत्य नहीं है सत्य के साथ एक बात जुड़ी हुई होती है हमेशा कि वह नित्य होता है जो अनित्य है वह सत्य नहीं हो सकता तो जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे एक बात कही और फिर उस बात से मुकर गया तो आप क्या कहेंगे कि मैं सत्यवादी हूँ हाँ हाँ मैं तुम्हें कल एक हजार रुपया जरूर दूंगा बिल्कुल पक्की बात है और जब दे दूंगा तो कह दिया दे नहीं रहा है अरे कब दोगे हाँ? क्या बात नहीं नहीं अरे वो ऐसे ही कह दिया तो अब यह क्या सत्यवादित्व का उदाहरण हुआ क्या सत्य तब है कि जब वह टिकता है जो नहीं टिकता वह सत्य नहीं हो सकता अब यह तत्व जो हम लोग इस मैं और जगत को देखते हैं इस दृश्यमान संसार को जो देखते हैं उसको लगाकर देखिए तो वह तो प्रतिक्षण प्रध्वंसमान है यह शंकराचार्य जी के मुंडक उपनिषद के भाष्य के शब्द हैं कि यह संसार जब देखते हैं उसकी परीक्षा करते हैं तो क्या दिखाई पड़ता है यह सब आता है चला जाता है जैसे कि जल के ऊपर तरंग होती है तो जल सत्य है क्योंकि रहता है तरंग रहती है क्या मित्रों तरंग आती है चली जाती है इसीलिए वह अनित्य है और अनित्य होने के कारण उसमें कोई सारवत्ता नहीं है यह संसार इस प्रकार देखा जाना चाहिए तब मन इसके अतीत चला जाता है नाम रूपों के परे चला जाता है और तब इस परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं और इसीलिए यह द्वितीय और तृतीय मंत्र में मिलाकर ये शिष्य को यह बात समझाने का प्रयास चल रहा है कि देखो यहाँ इसका उत्तर नहीं मिलेगा हम्म तुम्हारा जो भौतिक विज्ञान इत्यादि है कितना भी वह आगे प्रगत हो जाए तो भी इस प्रश्न का उत्तर उसके दायरे में ही नहीं आता आ, अपने इंद्रियों से जिसका ज्ञान प्राप्त किया जा सके उसका ज्ञान विज्ञान हमें दिला सकता है आ, उसकी जो तरक्की होगी विज्ञान की धीरे धीरे उससे आ, हमारी इंद्रियों से जिसका ज्ञान हो सकता है वह सारा ज्ञान क्रमशः विज्ञान के द्वारा हमें हो सकेगा आ, यह एक बात समझ में आ सकती है परंतु वह दो ज्ञान परिवर्तमान है आ, हमेशा बदल रहा है और इसीलिए विज्ञान भी सदा खोज में लगा रहेगा उसमें कोई परिपूर्णता कभी नहीं आ सकती अच्छी बात है ना नहीं तो सारी यूनिवर्सिटीज वगैरह बंद हो जाएगी <laughs> क्योंकि यह खोज तो यहाँ निरंतर चलती रहती है आ, कभी उसका उत्तर पाना संभव ही नहीं है अब जो चीजें सदा परिवर्तनीय है उसके बारे में आप और क्या कह सकते हैं ना निश्चित रूप से जो अभी निश्चित रूप से कहोगे वह कल तो बदल जाएगा तो यह परमात्मा इस प्रकार नहीं है वह नित्य है वह सत्य है और इसलिए इस नाम रूपों से बने हुए जगत के परे जाकर ही कहीं उसका हम अनुभव कर सकेंगे और Uh, क्या होगा इससे जब हम इसका ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो उसका परिणाम भी बता दिया है कि तब तुम अमृत स्वरूप हो जाओगे uh, कि अतिमुच्च uh, धीरा प्रेत्य स्मार लोकाद क्या होगा इस uh, प्रेत्य बड़ा सुंदर शब्द है uh, कि मतलब ये सारे संसार के प्रति मर जाओ भी आ, ये इसमें कुछ सार वस्तु है ही नहीं इस संसार में ये अपना स्वयं का शरीर और मन ये भी इसी का हिस्सा है मित्रों तो इस सब को त्याग कर दो यह दृष्टा और दृश्य इन दोनों को छोड़ दो उसके प्रति मर जाओ प्रेत्य अः अस्माल अमृता भवंती तो तब क्या होगा इस अः संसार के पीछे जो नित्य अमृतमय आनंद स्वरूप सत्ता है उसका हमें अनुभव होगा जिसके द्वारा जीवन कृतार्थ होगा तो यह मित्रों एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर बताया गया है और इसीलिए मैंने जैसे पहले ही कहा कि इस उपनिषद में यह बड़े सशक्त रूप से और बिल्कुल डायरेक्टली किसी प्रकार का जो है यहाँ पर कोई संदेह न रखते हुए इस तत्व को बताया गया है और इसे हृदयंगम करना बड़ा जरूरी है यदि न करें तो क्या होगा जो अगला मंत्र है वह एक प्रेरणादायी मंत्र है अगले जो मंत्र है आ, कुछ कि वो कहते हैं कि यह इस प्रकार ये ज्ञान प्राप्त करना आ, यही जीवन का लक्ष्य होता है मित्रों तो यह जो चतुर्थ मंत्र है आ, कि चतुर्थ मंत्र और उसके बाद कई मंत्र केवल इसी अर्थ को व्यक्त करते हैं कि देखो यद्वाचान अभ्य, अभ्युद्यते तदेव ब्रह्म तो यह यदिदम उपासम यदिदम इसकी आवृत्ति बार बार चलती रहेगी मतलब है कि जो वाणी से प्रकट नहीं होता परंतु जिसके द्वारा वाणी प्रगट हो जाती है वाणी से परमात्मा प्रगट नहीं हो सकेंगे परंतु परमात्मा को छोड़कर वाणी का कोई अस्तित्व नहीं है तदेव ब्रह्मत्व विद्धि उसी को ब्रह्म जानो नेदम यदिदम उपासते। आ, मतलब है कि जिसकी तुम उपासना करते हो वह परब्रह्म नहीं है क्योंकि वहां पर यह उपासक और उपास्य इस प्रकार का जो है एक एक भेद हो जाता है एक वहाँ पर मानो कट हो जाता है वहां पर कि यहाँ पर उपास्य है वहां पर उपासक है तो इस प्रकार जहाँ भेद है वहां पर वह परमात्मा नहीं है तो उपासना न करें ऐसा यहाँ नहीं कहा गया है उपासना का तात्पर्य है कि इस भेद को मिटाओ उपासना करते करते आगे बढ़ते बढ़ते यह भेद जो है मिट जाएगा श्री राम कृष्ण उदाहरण दिया करते थे कि कोई राजा है तो राजा के पास पहुंचना है तो सात दरवाजों के पार राजा होता है तो वह महल में प्रवेश करता है व्यक्ति लगता है अरे यह राजा है क्या नहीं नहीं उसको बताया जाता है नहीं नहीं यह राजा नहीं है आगे बढ़ो तो कोई और बहुत अच्छा पोशाक पहना हुआ और बड़ा इंप्रेसिव जिसका व्यक्तिमत्व है ऐसा कोई दिखता है ये राजा है क्या अरे नहीं नहीं ये राजा नहीं है आगे बढ़ो तो जब इस प्रकार एक एक दरवाजा पार करता जाता है तब जब राजा के दर्शन हो जाते हैं तो मन में और कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता कि ये राजा है क्या यह सवाल ही नहीं रहता राजा को देखकर वह व्यक्ति अभिभूत हो जाता है तो इसी प्रकार उपासना करनी चाहिए परंतु समझ लेना चाहिए कि जब तक वह उपासना है तब तक जो उपास्य है वे आ, प, परमात्मा नहीं है उसकी ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो इसको ऐसा मत समझिए कि तो अब उपासना करना बंद करें नहीं उपासना करनी चाहिए परंतु इस प्रकार करनी चाहिए तो ऐसे ही मंत्र मन के बारे में भी यही कहा गया है फिर जो है कि चक्षु के आंखों के बारे में भी ऐसा ही कहा गया है तो आ, कानों के बारे में श्रोत्रों के बारे में भी ऐसा ही कहा गया है प्राण के बारे में भी यही कहा गया है तो ये आठ मंत्र आ, ये आ, जो है वे इस प्रकार हैं कि नेदम यदिदम यदि दम तो ये आ, सारी इंद्रिया मन प्राण ये उसको पा नहीं सकते परंतु आ, इसका मतलब वे स्वतंत्र हैं सो बात नहीं स्वतंत्र परमात्मा है जो जगत संसार और हम व्यक्ति जो है वे परतंत्र हैं और इसीलिए परमात्मा जो है हमसे भिन्न है परंतु हम उससे भिन्न रह नहीं सकते कि हमारा अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है वो परमात्मा के कारण ही हमारा अस्तित्व है तो जैसे श्री राम कृष्ण कहा करते थे कि देखो आ, समुद्र की तरंग होती है तरंग का समुद्र नहीं होता तो यह आ, समझ लेना चाहिए तो इसीलिए यह, यहाँ प्रथम खंड तो समाप्त होता है और अब फिर दूसरे खंड का प्रारंभ होता है आ, जिसकी एक संक्षिप्त चर्चा हम लोग अगले प्रवचन में करने का प्रयास करेंगे अभी फिर शांति मंत्र का उच्चारण करते हुए आज के इस प्रवचन को यहीं विराम देते हैं तो ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमेन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु